नमस्कार, मैं श्रीमती रूपा शेखावत, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू। आज मैं जो बताने जा रही हूँ वह है राजनीति विज्ञान की परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र और उसका नाम विभेद क्या है। ये टॉपिक बीए पार्ट प्रथम के जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है। मैं राजनीति विज्ञान की परिभाषा बताऊं आपको, उससे पहले ये बताना चाहूँगी, जब इस विषय का अध्ययन हम करते हैं तो उसके पीछे दो पद्धतियाँ होती है, अर्थात हम दो पद्धतियों के आधार पर राजनीति विज्ञान विषय का अध्ययन करते हैं। एक तो निगमनात्मक अध्ययन पद्धति और दूसरी है आगमनात्मक अध्ययन पद्धति। निगमनात्मक अध्ययन पद्धति वो अध्ययन पद्धति है जिसमें कल्पना पर आधारित अध्ययन किया जाता है, अर्थात आदर्शात्मक अध्ययन। इसे हम यूँ भी समझ सकते हैं, जैसे प्लेटो है, पाश्चात्य विचारक हुए हैं, और भी बहुत सारे विचारक हैं, लेकिन प्लेटो का नाम सबसे पहले इसलिए आता है क्योंकि इन्होंने जो रिपब्लिक पुस्तक लिखी उस पुस्तक में जितने भी सिद्धांत इन्होंने दिए हैं वो आदर्श राज्य के इर्द गिर्द दिए हैं। एक कल्पना की थी इन्होंने कि एक राज्य कैसा होना चाहिए, आदर्श राज्य उसको नाम दिया, और उस आदर्श राज्य में कौन कौन से सिद्धांत होने चाहिए, कौन कौन सी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इसके लिए इन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए, जैसे न्याय सिद्धांत है, शिक्षा सिद्धांत है, साम्यवाद का सिद्धांत है, और भी कई सिद्धांत इन्होंने दिए हैं प्लेटो ने। लेकिन मूलतः ये बात ध्यान रखने की है कि इसमें जितने भी सिद्धांत दिए हैं वो सारे के सारे काल्पनिक है, आदर्शात्मक सिद्धांत है। इसलिए प्लेटो के जो अध्ययन का तरीका है वो निगमनात्मक अध्ययन पद्धति पर आधारित माना जाता है। दूसरी ओर आगमनात्मक अध्ययन पद्धति, आगमनात्मक अध्ययन पद्धति अध्ययन का वो तरीका है जिसमें तथ्यों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। और विशेष रूप से यदि हम देखें तो राजनीति विज्ञान की परिभाषा हो, चाहे क्षेत्र हो, प्रकृति हो, इन सब का जब हम अध्ययन करते हैं तो परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण, इन दो भागों में इसको विभक्त करके देखा जाता है। परंपरागत दृष्टिकोण की जब हम चर्चा करें तो मूलतः वो निगमनात्मक अध्ययन पद्धति पर आधारित होता है। तो बहुत सारी ऐसी परिभाषाएं भी दी हैं, राजनीति विज्ञान हम किसे कहते हैं, राजनीति विज्ञान के पीछे कौन कौन से विद्वानों का महत्वपूर्ण हाथ रहा है जिन्होंने राजनीति विज्ञान को आगे बढ़ाया है। लेकिन सबसे पहले ये प्रश्न उपस्थित होता है कि राजनीति विज्ञान आखिर है क्या। तो परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर पहले हम लेंगे राजनीति विज्ञान किसे कहते हैं, उसकी प्रकृति क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, अर्थात क्षेत्र के अंतर्गत हम किन किन बातों को शामिल करते हैं राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते समय। तो सबसे पहले जब राजनीति विज्ञान की परिभाषा हम देखेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगी, उस बात की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी जो अरस्तु ने कही है। अरस्तु ने ये कहा कि मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है, और समाज से बाहर यदि कोई रहता है तो वो देवता या पशु हो सकता है। और एक समाज में रहते हुए व्यक्ति कानून के अधीन रहता है, कानून और न्याय के बिना व्यक्ति का सुव्यवस्थित जीवन संभव नहीं है। और इसी संदर्भ में यदि हम देखें तो समाज में रहते हुए व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए विभिन्न पहलू होते हैं, और इन पहलुओं में जैसे व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ आर्थिक पहलू है, भौगोलिक है, नैतिक पहलू है, और भी बहुत सारे जीवन से जुड़े हुए जितने पहलू हैं उनके अध्ययन की बात यदि की जाती है तो वो विभिन्न विषयों में की जाती है। जैसे व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ आर्थिक पहलू है, उसका अध्ययन अर्थशास्त्र में हम करते हैं। सामाजिक पहलू है, उसका हम अध्ययन समाजशास्त्र में करते हैं। व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ भौगोलिक पहलू है, उसका अध्ययन हम भूगोल में करते हैं। इसी तरह से राजनीतिक पक्ष का हम अध्ययन, जो कि व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है, उसको हम राजनीति विज्ञान में उसका अध्ययन किया जाता है। तो सर्वप्रथम यदि देखा जाए राजनीति विज्ञान की परिभाषा को लेकर, तो इसमें भी कुछ विद्वानों ने अपनी अलग अलग राय व्यक्त की है
कि परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान की परिभाषा हम कैसे रखें, या राजनीति विज्ञान की परिभाषा को किस तरह से हम पेश करें जिससे इस विषय का एक तरह से समग्र अर्थ उसमें समा जाए। राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है, सरकार का अध्ययन है, या राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है, या इसमें कानून का भी अध्ययन किया जाता है, या संस्थाओं का भी अध्ययन किया जाता है, तो विभिन्न पहलू हैं। कोई एक इसकी परिभाषा संक्षिप्त नहीं है, इसको हम बांध नहीं सकते शब्दों में। पहले क्या होता था कि राज्य की उत्पत्ति, उसका विकास और भविष्य में राज्य का स्वरूप क्या होगा, इसके बारे में कल्पनाएं की जाती थी, इसके बारे में अध्ययन भी किया जाता था। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो राज्य का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है। राज्य पूर्णतः एक राष्ट्रीय राज्य का रूप उसने ले लिया है, और उस राष्ट्रीय राज्य का रूप जब एक राज्य ने ले लिया है तो उसका क्षेत्र भी बहुत व्यापक हो गया है। लेकिन परिभाषा की बात सबसे पहले मैं करना चाहूँगी। इसमें परिभाषा राजनीति विज्ञान की गार्नर एक विद्वान हुए हैं राजनीति विज्ञान के, उन्होंने ये कहा कि राजनीति विज्ञान विषय का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। अर्थात राजनीति विज्ञान राज्य के इर्द गिर्द घूमने वाला विज्ञान है। राजनीति विज्ञान में मूलतः राज्य का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान, ये शब्द राजनीति पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं, वो यूनानी आंग्ल भाषा का जो शब्द है पॉलिस, उससे बना है, जिसका अर्थ होता है नगर अथवा राज्य। तो नगर, यूनानी नगर राज्य छोटे छोटे हुआ करते थे उस समय, तो उन नगरों में और राज्यों में कोई विशेष अंतर नहीं होता था। यूनानी नागरिक या यूनानी निवासी नगर और राज्य को एक ही मानते थे। तो नगर अथवा राज्य से संबंधित जिन किसी बातों का अध्ययन किया जाता है, जिस विषय का अध्ययन किया जाता है, उसे हम राजनीति विज्ञान कहते हैं। ऐसा गार्नर ने इनका पुरजोर समर्थन किया है। लेकिन इससे एक कदम आगे चलें तो राजनीति विज्ञान को सरकार का अध्ययन माना गया है, कि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है जिसका समर्थन किया है सीले और लिकोक ने। सीले और लिकोक ये विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि राज्य के स्थान पर राजनीति विज्ञान का मूल विषय सरकार होना चाहिए, क्योंकि राज्य अपने आप में एक अमूर्त संस्था है और सरकार उस राज्य को चलाती है। राज्य के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा कि राज्य के निर्माण के लिए जो आवश्यक तत्व है उसमें जनसंख्या है, भूभाग है, सरकार है, संप्रभुता है। तो सरकार एक महत्वपूर्ण तत्व है राज्य का। इसलिए राजनीति विज्ञान में जो भी अध्ययन हम करें, उस अध्ययन का मुख्य केंद्र बिंदु सरकार होना चाहिए, और सरकार से संबंधित जिन बातों का हम अध्ययन करते हैं वो राजनीति विज्ञान कहलाता है। तो सीले और लिकोक ने राजनीति विज्ञान को सरकार का अध्ययन कहा है, और गार्नर है, उन्होंने राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन कहा है। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जिन्होंने ये कहा कि राजनीति विज्ञान न तो केवल सरकार का अध्ययन है और ना केवल राज्य का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान में सरकार और राज्य, इन दोनों का अध्ययन किया जाना जरूरी है। और ऐसा माना भी है, डिमोक ने एक परिभाषा दी थी कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। इस परिभाषा को यदि हम देखें तो इसके अंतर्गत यही बात स्पष्ट होती है कि इसमें राजनीति विज्ञान में हम सरकार और राज्य, इन दोनों का अध्ययन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार दोनों से है। तो जब इस तरह की परिभाषाएं दी जाती हैं, गिलक्राइस्ट ने भी अपनी बात रखी और इसका पुरजोर समर्थन किया, गिलक्राइस्ट ने भी, कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन सरकार और राज्य, इन दोनों को, इन दोनों विषयों को शामिल करते हुए किया जाना जरूरी है। राजनीति विज्ञान की परिभाषा
यदि कोई पूछे या यदि हम राजनीति विज्ञान किसे कहते हैं इसको समझना हो तो राज्य और सरकार इन दोनों का अध्ययन किया जाना आवश्यक है। तो गिलक्रिस्ट ने भी ये अपनी बात कही है कि किस तरह से राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार का अध्ययन किया गया है या राज्य और सरकार का अध्ययन है, दोनों का अध्ययन इसमें किया जाना चाहिए। तो इसकी परिभाषा की यदि बात आती है तो इसमें यही कहा गया है कि राजनीति विज्ञान विषय ऐसा विषय है जिसकी परिभाषा में राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाना जरूरी है। एक और पक्ष जो हमारे सामने आता है वो है मानवीय तत्व। मानवीय तत्व को शामिल करने की बात भी इसमें की जाती है और ये कहा जाता है कि राज्य और सरकार का जब अध्ययन किया जाएगा या परिभाषा में उसको शामिल किया जाएगा तो मानवीय पक्ष तो या मानवीय तत्व तो उपेक्षित रह जाएगा। इसलिए इस विषय में इस परिभाषा में जो गिलक्रिस्ट ने दी है कि राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है, इसमें मानवीय पक्ष की अवहेलना की गई है और ये निश्चित रूप से जरूरी है कि मानवीय पक्ष का भी इसमें अध्ययन किया जाए। तो राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जिसके अंदर मानवीय जीवन के राजनीतिक पक्ष का और जीवन के इस पक्ष से संबंधित राज्य सरकार तथा अन्य संबंधित संगठनों का अध्ययन किया जाता है। अब हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि इस राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या है। क्षेत्र से तात्पर्य है कि इसमें कौन कौन सी बातों को शामिल किया जाना है। किसी भी विषय के क्षेत्र की बात जब आती है तो उसमें वो तमाम बातें शामिल की जाती है जो उससे संबंधित होती है या उसका दायरा क्या है, उसमें कौन कौन से विषयों को हम लेंगे। वैसे तो आजकल एक नया दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान विषय का अध्ययन करते हैं तो हमारे सामने आता है कि अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण जिसे हम कहते हैं। अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण वो दृष्टिकोण है जिसमें एक विषय को दूसरे विषयों को साथ में लेकर चलना पड़ता है। जैसे राजनीति विज्ञान का यदि हम अध्ययन करेंगे तो उसमें उसके साथ हमें समाज विज्ञान का अध्ययन भी करना पड़ेगा, हमें इतिहास का अध्ययन भी करना पड़ेगा, हमें अर्थशास्त्र का अध्ययन भी करना पड़ेगा, हमें भूगोल का अध्ययन भी करना पड़ेगा। इसी तरह से तमाम वो सारे विषय, प्रत्येक विषय एक दूसरे से संबंध रखते हैं और क्योंकि मानव का जीवन है उसके विभिन्न पहलू हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसी तरह से सभी विषय एक दूसरे से अंतर संबंध रखते हैं। तो किसी भी विषय का यदि हमें पूर्ण अध्ययन करना है तो हमें अन्य समाज विज्ञानों को साथ में लेकर चलना होगा। यदि परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर हम राजनीति विज्ञान विषय के क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र से मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि क्षेत्र का तात्पर्य है कि उस विषय के अंतर्गत किन किन बातों को हम शामिल करेंगे या उसकी विषय वस्तु क्या है। तो राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु क्या है परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर, इसमें भी गेटल ने अपना अलग मत दिया है, गार्नर ने अपना अलग मत दिया है, प्रोफेसर मुखर्जी अपने अलग बात कहते हैं और विलोबी ने भी इसमें राज्य सरकार के साथ कानून को शामिल किया है। तो इसका क्षेत्र क्या है, इसमें जैसे गार्नर हैं विद्वान, उन्होंने ये कहा कि इसके क्षेत्र को हम तीन भागों में बांटेंगे। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र का यदि अध्ययन किया जाता है तो उसको तीन भागों के आधार पर किया जाएगा। पहले भाग में हम लेंगे राज्य की प्रकृति तथा उत्पत्ति और खोज कैसे हुई, राज्य अस्तित्व में कैसे आया, इसके बारे में जितने भी तमाम बातें हैं। जैसे उत्पत्ति की बात हम करें तो उत्पत्ति को लेकर भी विभिन्न तरह के सिद्धांत बनाए गए हैं राजनीति विज्ञान में। जैसे कोई कहता है कि राज्य का उद्भव दैवीय सिद्धांत के आधार पर हुआ है, किसी ने कहा कि राज्य का क्रमिक विकास हुआ है, ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। कुछ लोग ये मान के चलते हैं जैसे हॉब्स लॉ क्रूसो है, उन्होंने राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया है, जिनका ये मानकर चलना है कि राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप हुई है। मार्क्सवादी ये मानते हैं कि राज्य एक शोषण का यंत्र है और राज्य की उत्पत्ति के पीछे शोषण
और आर्थिक साधन महत्वपूर्ण कारण रहे हैं। यही विषय या ये तमाम जो जितने भी अध्ययन के बातें हैं वो सारी की सारी गार्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान में आनी चाहिए, क्योंकि वो राज्य से संबंधित है। तो राज्य की उत्पत्ति और उद्भव कैसे हुआ, राज्य की खोज कैसे हुई, इन सब का अध्ययन राजनीति विज्ञान विषय में शामिल किया जाना जरूरी है। फिर गार्नर का ये कहना है कि जितनी भी राजनीतिक संस्थाएँ हैं उनका स्वरूप क्या है और उनके विकास के जितने भी यथासंभव नियम हैं उनका अध्ययन भी राजनीति विज्ञान में किया जाना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी राजनीतिक संस्थाएं हैं उनका इतिहास, स्वरूप, उनके नियम, इन सब को, उनकी खोज और गन्वेषणा, इन सभी का अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाना जरूरी है। प्रोफेसर विलोबी हैं, उन्होंने अपनी एक परिभाषा दी कि राजनीति विज्ञान जिन जिन महान विषयों की व्याख्या करता है वे हैं राज्य, सरकार और कानून। उन्होंने कानून को भी शामिल किया है राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन में और ये कहा कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र की बात आती है, ये जो मैं बता रही हूँ वो सारे जितने भी अपने परंपरागत दृष्टिकोण हैं उसके आधार पर राजनीति विज्ञान के क्षेत्र की बातें हम कर रहे हैं। तो राजनीति विज्ञान का क्षेत्र परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर विभिन्न विद्वानों ने ये कहा कि कौन कौन सी बातों को शामिल करना चाहिए। इसमें विलोबी ने, जैसा कि मैंने कहा, राज्य सरकार के साथ कानून को भी शामिल करने की बात कही है। और इसी तरह से जो गेटल है, प्रोफेसर गेटल है, उन्होंने भी इसके क्षेत्र के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। गेटल ने ये कहा कि इसमें भी, गेटल ने भी यही कहा गार्नर की तरह, कि मूलतः तीन बातों को शामिल किया जाना चाहिए। पहली बात है राज्य की उत्पत्ति और राजनीतिक संस्थाओं और उनके सिद्धांतों का अध्ययन किया जाना। दूसरी बात, जो विद्यमान राजनीतिक संस्थाएं हैं उनके सिद्धांतों का भी अध्ययन हमें किया जाना चाहिए। और राज्य का भावी अर्थात आदर्श स्वरूप क्या होगा, इसके विषय को भी हमें अध्ययन करने की ज़रूरत है। तो राजनीति विज्ञान विषय के क्षेत्र की बात यदि हम करें तो जैसा गार्नर ने भी कहा, गेटल ने भी कहा है, और इसमें राज्य को मूल स्थान दिया है इन लोगों ने, कि राज्य के इर्द गिर्द जितने भी अध्ययन होते हैं वो सारे के सारे अध्ययन राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आने जरूरी हैं और वही इसके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसकी विषय वस्तु क्या है, इसके बारे में इनका यही विचार है कि राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन किया जाना जरूरी है। इसी के साथ साथ एक 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघीय शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के तत्वावधान में समस्त विश्व के राजनीति विज्ञान के विद्वानों यानी पंडितों का एक सम्मेलन भी हुआ था, जिसमें निर्णय लिया गया कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत किन किन विषयों को हम शामिल करेंगे, इसके बारे में विस्तारपूर्वक विचार भी किया गया। तो जो यूनेस्को का 1948 में सम्मेलन हुआ था उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई, कुछ महत्वपूर्ण बातें शामिल की गई और ये कहा कि इसके क्षेत्र के अंतर्गत हम किन किन बातों को शामिल करेंगे। तो इसमें ये निर्णय लिया गया कि राजनीति के जितने भी सिद्धांत हैं उन सभी को हम राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में शामिल करेंगे, सिद्धांत और उनके विचार और इतिहास। तो राजनीतिक सिद्धांत जितने भी हैं, राजनीतिक संस्थाएं हम उनको भी शामिल करेंगे। राजनीतिक संस्थाओं में जैसे संविधान है, राष्ट्रीय सरकार है, स्थानीय सरकारें हैं, इन सब का हम अध्ययन करेंगे और न केवल इन संस्थाओं का अध्ययन करेंगे वरन तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाना जरूरी है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान की जो भी राजनीति है वो राजनीतिक दल और दबाव समूह के बिना कुछ नहीं है। किसी भी देश में आप देख लीजिए कि प्रत्येक देश में जब राजनीति की बातें की जाती है तो उस राजनीति में राजनीतिक दल, दबाव समूह, ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चाहे चुनाव प्रक्रिया हो या फिर सत्ता की बात हो या फिर विपक्ष में बैठने की बात हो, राजनीतिक दलों का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। और जितने भी सरकार है, राज्य की नीतियां हैं, उनको
प्रभावित करने, उन पर दबाव बनाने का कार्य दबाव समूह के द्वारा किया जाता है। तो राजनीतिक दल है, दबाव समूह है और लोकमत है, इनको भी हमें राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र में शामिल करना जरूरी है। फिर इसी संगठन में एक और बात कही गई, वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक देश के दूसरे देश के साथ में क्या संबंध है, किस तरह का संबंध है, इसमें हमें शामिल करना होगा राजनीति विज्ञान विषय के विषय वस्तु में, जिसमें जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे संगठन हैं, यूएनओ जैसे हैं अपने, उन सबको शामिल करना है। प्रशासन की बात भी कही गई है कि उसको भी हम इसमें शामिल करेंगे। तो यूनेस्को ने जो सम्मेलन किया उसमें इन तमाम बातों को राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु के रूप में स्वीकार किया उन लोगों ने, और इसी के साथ साथ उन्होंने कुछ और बातें भी कही कि मानव का जो राजनीतिक जीवन है, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी भी है, और राज्य से बाहर, राज्य के बिना एक सद जीवन वो व्यतीत नहीं कर सकता। तो राज्य के बिना कोई भी व्यक्ति अपना एक व्यवस्थित जीवन जब नहीं जी सकता, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति राजनीतिक प्राणी भी है। और जब विषय की बात आती है, राजनीति विज्ञान विषय की बात आती है, तब हम उसमें राजनीति पक्ष या राजनीतिक जीवन मनुष्य के, उसका अध्ययन किया जाना भी जरूरी है। तो अगर हम ये देखें कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर यूनेस्को ने जो बात कही है उसमें कौन कौन सी बातों को शामिल करेंगे, तो वह है मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन, राज्य का अध्ययन हमें किया जाना है, सरकार का अध्ययन हमें करना है, स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं उनका अध्ययन भी राजनीति विज्ञान की मूल विषय वस्तु मानी गई है, और इसी के साथ साथ जितने भी राजनीतिक विचारों का इतिहास है, विचारधाराएं हैं, वो कैसे पनपी, उनका उद्भव कैसे हुआ, अंतर्राष्ट्रीय कानून है, किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्रभाव रहता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इन सब का अध्ययन हमें किया जाना जरूरी है।